हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फर्स्ट क्लास होंगे बस ये मत बोलना क्या कर रहे थे भाई थोड़ा सा टेक्निकल काम भी करना ज़रूरी होता है क्लास शुरू करते टाइम तो वही टेक्निकल काम को अंजाम दे रहा था जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाइए फटाफट -फड़ से और बताइए कैसे हैं आप सभी के हा, हाल जैसे हमारे हाल तो ख़राब है और भाई टीकाकरण करवा लो टीका कर लगवा लो लग फायदे में रहोगे मैं भी टीका लगवाने की सोच रहा हूँ कल चलिए जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए वॉइस 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 आ गई होगी भाई वॉइस अब ठीक है और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं आज क्या करवाने वाला हूँ स्पेशल पहले ही अनाउंस कर देता हूँ कि आज क्या प्लान है आज क्या करवाने वाला हूँ स्पेशल ठीक है आज का प्लान है आज सोच रहा हूँ कोरोना वायरस से संबंधित दस सवाल करवा दूँ टेन क्वेश्चन करवा दूँ कोरोना वायरस से संबंधित उसके अलावा थोड़ा सा आपको आज एक अलग झलक दी जाए एक अलग प्रकार के सवालों की झलक देने की मेरी कोशिश रहेगी चलिए एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिए स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रॉक लेट्स रॉक द सेशन चलिए आप सभी का स्वागत है ये है मेरी करंट अफेयर की क्लास भाई जब नहीं लोगे बाद में पछताओगे बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी क्लास ले लिया करो मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके कंटेंट वही जो एग्ज़ाम में आए और मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भाई साहब एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं ठीक है इसके अलावा यह है हमारा एसएससी का कॉम्बैट एवरी संडे पार्टिसिपेट करेंगे आप इसमें दोपहर बारह बजे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बनाया गया है स्कॉलरशिप टेस्ट या भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल संपूर्ण हैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रांत की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है यू नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न तो आप आइए एग्ज़ाम दीजिए मतलब टेस्ट दीजिए एक बार और पार्टिसिपेट कीजिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डाउनलोड करने पड़ेगा एप्लीकेशन और वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कोड सी एम टेन ठीक है जब आप इसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा सी एम टेन डाउनलोड करने का तरीका है एप्लीकेशन जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाकर लिख लीजिए अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कॉम्बैट नजर आएगा फ्री क्लासेज नज़र आएंगी और कुछ कोर्सेज नजर आएंगे मुझसे बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक सवाल पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब आप अगर आप हमें गाइड करें तो क्या इंपॉर्टेंस है एक पेड कोर्स की और फ्री क्लास में क्या डिफरेंस है मैं एक सेकेंड के लिए आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है देखिए यदि आपने अभी अभी शुरू करी है भाई तैयारी करना आपको नहीं पता क्या है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है एग्जाम का पैटर्न और आप लपेटे जा रहे हो लपेटे जा रहे हो लपेटे जा रहे हो तो लपेट लपेट के आपको कहीं ना कहीं एक दिन जाके रुकना तो पड़ेगा और रुकने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो एक कोर्स एक टीचर की आवश्यकता होगी और वो टीचर जो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करा पाए जैसे मान लीजिए आप मुझसे बोलेंगे कि सर जी के पढ़ा दीजिए मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा दूंगा स्टैटिक जी के पढ़ा दूंगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर हम आपके पेड कोर्स में परचेज करना चाहते हैं एनरोल करना चाहते हैं मतलब मान लीजिए वहाँ सौ कुछ सौ स्टूडेंट है सौ विद्यार्थी तो उन सौ को मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके अलावा ये है मेरा कोर्स सी एम टेन सी एम टेन के द्वारा आपको मिलेगा टेन परसेंट का डिस्काउंट सभी कोर्सेज में इसके अलावा यदि आप फ्री क्लासेस में भी एनरोल करते हैं तब भी आपको यूज करना पड़ेगा मेरा यही कोर्स चलिए लेट्स स्टार्ट सवाल है पहला आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल मैंने लगा दिया है जवाब देने की कोशिश कीजिए पहला सवाल है थाईलैंड ने अनाउंस किया है थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोसीड टू टेस्ट इट्स नोवल वायरस कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल एंड बर्ड थाईलैंड ने घोषणा की है कि वह किस पशु पक्षी के उपन्यास को कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए मतलब किस पे करेगा भाई साहब कोरोना वायरस का परीक्षण सवाल ये है क्लास को शेयर कर दिया करो जब आधी क्लास हो जाती है फिर तुम आते हो फिर टपकते हो तुम चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से फटाफट फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए मोंकी लेजार्ड हैंस या फिर गाइड बंदर छिपकली मुर्गियाँ या पतंगा चलिए क्या रहेगा जय हिंद सी जी चलिए फटाफट फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा इस सवाल का जवाब सवाल अपनी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है किस पे टेस्ट किया चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे पंद्रह सेकंड का समय देता हूं मैं आपको यहां पे एक सवाल को टैकल करने के लिए और वो पंद्रह सेकंड गए निकल सवाल का जवाब है मॉन्की जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए थाईलैंड की राजधानी क्या है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी क्या है राजधानी को इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल इसके अलावा एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि एक इंडेक्स है वो इंडेक्स है इंटरनेट इंडेक्स वो इंटरनेट इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स है जिसमें भारत का स्थान रहा है फोर्टी नाइन्थ नंबर का भारत के साथ यही फोर्टी नाइन्थ नंबर की रैंक शेयर करने वाली कंट्री कौन सी है दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने बोला कि थाईलैंड ने मंकी पर टेस्ट करने के लिए बोला कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन हम मंकी पे टेस्ट करेंगे बंदर पे टेस्ट करेंगे पहला सवाल तो ये हो गया मैंने बोला क्या है कैपिटल थाईलैंड की वो आप जवाब देंगे मैंने बोला इंटरनेट इंडेक्स में ना अगर बात करें इंटरनेट इंडेक्स की भारत का स्थान रहा है फोर्टी नंबर का भारत के साथ यही स्थान शेयर करने वाली कंट्री का नाम क्या है बहुत बढ़िया यही स्थान शेयर करने वाली कंट्री का नाम है थाईलैंड ठीक है यही स्थान शेयर करने वाली कंट्री का नाम है थाईलैंड ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी यही है बैंकॉक इसी की राजधानी है बैंकॉक अब पता नहीं भाई तुम्हारी नौकरी कब लगेगी और कब तुम घूमने जा पाओगे ठीक है चलिए जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे इंटरनेट रैंकिंग में दोनों कंट्रीज का सेम ही नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है कोरोना वायरस से संबंधित दस सवाल हैं उसके बाद अगले जो बीस या पच्चीस के आसपास सवाल रहेंगे उनका लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा अगला सवाल है इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड नाइन्टीन पेशेंट बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वो बोल रहे हैं एक अध्ययन में कौन सी कोशिकाएं कोविड नाइन्टीन रोगियों में दीर्घिकलिक प्रतिरक्षा के लिए अच्छी तरह से पाई जाती है मतलब कौन सी सेल्स पाई जा रही हैं कोरोना वायरस में पी सेल डी सेल टी सेल या फिर एंडोथेलियल सेल्स की वो बात कर रहे हैं आप जानते हैं कोरोना वायरस का जन्मदाता हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको जिसको भगवान ही देखेगा ठीक है ना हम तो देख नहीं पा रहे उसको उसको ऊपर वाला ही देखेगा उसके अलावा वहाँ से कहाँ से तो आप बोलोगे सर वुहान वुहान हुबई प्रांत के वुहान से शुरू हुआ था कोरोना वायरस पहला केस वहीं से देखा गया था दिसंबर का महीना था लास्ट दो तो हज़ार बीस की अगर दो हज़ार बीस की अगर देखें तो ठीक है ट्वेंटी नाइनटीन की अगर देखें तो दो हज़ार उन्नीस की अगर देखें तो चलिए कौन सी सेल की वो बात कर रहा है पंद्रह सेकंड का समय दिया जाएगा आपको एक सवाल को टाइगल करने के लिए क्लास को फटाफट शेयर करो भाई कहाँ पर हो सारे तो राम खानो चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए बहुत बढ़िया सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है टी सेल सवाल का जवाब है टी सेल अपनी कैटेगरी का अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है हाइड्रो आ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड अ क्लोरोक्वीन आर विच टाइप ऑफ ड्रग्स वो बोल रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन किस प्रकार की वैक्सीन किस प्रकार की दवाएं हैं चलिए भाई एंटी वायरल एंटी मलेरियल एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल क्या रहेगा सवाल का जवाब कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है मोनिका बहुत बहुत स्वागत है सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हाइड्रोक्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन आर विश टाइप ऑफ वैक्स आर विश टाइप्स ऑफ ड्रग एंटी वायरल एंटी मलेरियल एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल क्या रहेगा इस सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए अपनी कैटेगरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये चलिए जल्दी से बहुत बढ़िया उड़ान जी बहुत बहुत स्वागत है क्लास एक बार जल्दी से सभी मिलकर शेयर कर दीजिए अच्छा कुलदीप जी आप बहुत टाइम से क्लास ढूंढ रहे हैं बच्चा एक क्लास तो यहाँ पर होती है एक क्लास होगी रात को दस बजे मेरे चैनल पे प्लेइंग विद जी पे वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं मेरे चैनल का नाम है प्लेइंग विद जी बस इतना ही सर्च कर लेना प्लेइंग विद जी चेतन सर मिल जाऊँगा मैं आपको एंटी मलेरियल कैसी प्रकार की दवाई है ये कैसी प्रकार की औषधि या दवाई आप बोलेंगे तो किस प्रकार की दवाई है ये दवाई है भाई साहब अपनी एंटी मलेरियल ध्यान रखना ये जो नाम है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इसीलिए दवाई भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोना वायरस कोरोना वायरस क्या है इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फिश इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंसेक्ट कोरोना वायरस क्या है वॉट इज करोना वायरस एंटी है इसका आंसर क्वीन फॉर मलेरिया बहुत बढ़िया जी चलिए सवाल का जवाब मैंने दे दिया एंटी मलेरिया है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोना वायरस कोरोना वायरस क्या है क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए फटाफट -फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब गलत हो गया ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द मलेरिया ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया चलिए इट इज अ लार्ज फैमिली इट इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस ठीक है यह निडो वायरस के परिवार से संबंध रखता है यह विषाणु का एक बड़ा परिवार है अगर सवाल के जवाब की बात करें ना तो दोनों ही आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर दो मतलब ए एंड बी दोनों ही ठीक है ध्यान रखिएगा इट इज अ फैमिली ऑफ इट इज अ लार्ज फैमिली वायरस इट बिलोंग टू अडो वायरस ठीक है तो दोनों ही सवालों के जवाब ठीक है ए एंड बी बोध आर करेक्ट आप जवाब देंगे अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी खासी तरीके से कर रखी है तो सवाल का जवाब है ए एंड बी बोथ क्लियर समझ गए भाई कोई चाइना का विद्यार्थी भी, भी है तो बताइए अगला सवाल रहेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थेरेपी इन विच ब्लड इज़ इन्फ्यूज फ्रॉम द रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन टू अदर क्रिटिकल कोविड नाइन्टीन पेशेंट वो बोल रहा है वो थेरेपी का नाम बताइए जिसमें जो पेशेंट ठीक हो गया है कोरोना वायरस से जो पेशेंट ठीक हो गया है उस पेशेंट के ब्लड को दूसरे पेशेंट में डाला जाएगा जिसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है प्लाज्मा के तरीके से बोल रहा है वो क्या रहेगा सवाल का जवाब दीजिए भाई कौन वेलेसेंट प्लाज्मा प्लाज्मा थेरेपी बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए एंड नॉर बी क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से ऑल्सो बिलोंग्स टू नीडो वायरस बहुत बढ़िया मैंने दे दिया सवाल का जवाब अब इसका जवाब दे दीजिए यह सवाल है आपकी स्क्रीन पर फटाफट फड़ से क्या रहेगा सवाल का जवाब कॉन्वेल्थ सेलेंट प्लाज्मा प्लाज्मा थेरेपी बोथ ए एंड बी या नाइदर वन नाइदर नॉर टू चलिए जल्दी से देखिए भाई मेरा हमेशा टारगेट रहेगा मेरे विद्यार्थी को एक नंबर के कंटेंट प्रोवाइड कराने का जैसे अगर आपने आज मेरी क्लास ली होगी दिन में एक बजे वाली मैंने थर्टी वन क्वेश्चन करवा दिए बजट से संबंधित जो दो हजार का बजट आया उससे संबंधित मैंने थर्टी क्वेश्चन करवा दिए विद एक्सप्लेनेशन इसके बाद आपको कहीं से भी दोबारा बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो सवाल मैंने पढ़ाया उनसे एक सिंगल सवाल बाहर आने की उम्मीद मैं नहीं करूंगा ठीक है उसी प्रकार से कोरोना वायरस के सवाल करवा रहा हूं 2019-20 के 2019-20 के ही सवाल करवा रहा हूं पहले सवाल का जवाब है बोथ ए एंड बी सवाल का जवाब है बोथ ए एंड बी दोनों ही थेरेपी सही रहेंगी बहुत बढ़िया जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया है सवाल का जवाब वो ठीक है जिसने नहीं दिया वो गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है फॉर विच आउटब्रेक्स कॉन्वे एलेंट प्लाज्मा थेरेपी इज ऑल्सो यूज वो बोल रहा है किस प्रकोप के लिए कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी को उपयोग किया जाता है ईवोला वायरस सार्स मर्स या ऑल ऑफ द अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कॉन्व कॉन्वाट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा आपके सामने ऑप्शन है इबोला वायरस सार्स मर्स या ऑल ऑफ द अबव क्या रहेगा सवाल का जवाब पंद्रह सेकंड का समय लीजिए फिफ्टीन सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट टू गिव एनी आंसर किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए पंद्रह सेकंड का समय बहुत ही ज्यादा रहेगा ठीक है क्वेश्चन लेवल ऑप्शन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट हाँ आपको पता है मैं बिल्कुल औसम awesome तरीके से तैयारी करता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने डिलीवर किया जा सके बस क्लास को शेयर वेयर करने का काम आप कर लिया करिए बाकी मेरे हाथ में क्या रहेगा सवाल का जवाब अच्छे से देख लीजिए एक बार कॉन विलेंट प्लाज्मा थेरेपी की वो बात कर रहा है वो बोल रहा है प्लाज्मा थेरेपी है वही ब्लड डोनेट वाली थेरेपी है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस किस के लिए ये वाली थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा आप जवाब देंगे ऑल ऑफ द अबब आप जवाब देंगे ऑल ऑफ द अब उपयुक्त सभी के लिए ये वाली थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवें नंबर का सवाल है व्हाट इज द नेम गिवन टू द 2019 नोवल कोरोना वायरस 2019 हजार उन्नीस के नोवल कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया है जल्दी से 2019 के नोवल कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया है क्या रहेगा सवाल का जवाब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोव 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम कोरोना वायरस 12 22 19 क्या रहेगा सवाल का जवाब जवाब दीजिए भाई आपने सभी प्रकार के सवाल पढ़ रखे हैं इससे संबंधित मुझे कर सार्स कोविड का भाई है हाँ जी चलिए क्या रहेगा सवाल जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए इसमें से 2019 वाला जो कोरोना वायरस है उसका नाम क्या है सार्स तो सभी जानते हैं सार्स कौन सा है भाई सी वी टू है सी वी ट्वेंटी टू है सी वी ट्वेंटी टू है या फिर सी वी नाइनटीन है फटाफट पड़ से इसका जवाब तो दे दो भाई आसान सा सवाल है ऐसा कोई मतलब इसमें वो थ्योरी नहीं लगानी है किसी भी प्रकार की सीधा सवाल है सीधा जवाब है नाइनटीन दिया गया सार्स कोविड नाइनटीन दिया गया उसको नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सेंड्रोम कोरोना वायरस नाइनटीन ध्यान रखिएगा यह सवाल हर एग्जाम के एग्जाम में पूछा जा सकता है सीजीएल से लेकर एम टी एस ग्रुप डी लेवल तक हर एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है वट इज़ द इनक्यूबेशन पीरियड फॉर अ कोविड नाइन्टीन दैट इज द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू द वायरस एंड ऑन स्वट सिम्टम वो बोल रहा है कोरोना वायरस यानी वायरस के संपर्क में आने और लक्षणों की शुरुआत के बीच में का समय के लिए उष्यम उष्यमान अवधि क्या है मतलब कितने दिनों में आपको सिम्टम कम से कम नजर आने लग जाएंगे दो से पाँच दिन दो से चौदह दिन दो से चार दिन या फिर दो से बीस दिन क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से स्टार्टिंग में ही शेयरिंग काम कर लिया करो यार चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से दो से पांच दिन दो से चौदह दिन दो से चार दिन या फिर दो से बीस दिन पंद्रह सेकंड का समय दिया जाएगा आपको एक सवाल को टैकल करने के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो सवाल सवाल का जवाब है दो से चौदह दिन सवाल का जवाब है दो से चौदह दिन में आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ओल्डर एडल्ट पीपल ऑफ एनी एज विध अंडरलाइंग डायबिटीज लंग डिजीज हार्ट डिजीज आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्व इलनेस फॉर अ कोविड नाइनटीन डिजास्टर इन अ चिल्ड्रन टू नो एविडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कोविडीन फ्रॉम द मदर टू ऑल आर ट्रू वो बोल रहे हैं कि भाई जो बुजुर्ग लोग होंगे या फिर जिन्हें बीमारी होंगी लंग से संबंधित हार्ट से संबंधित डायबिटीज वो इस बीमारी से ज्यादा घातक रूप से गंभीर उनको परिणाम दिख सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें तो बच्चों में डिजीज इन अ चिल्ड्रन अफेयर्स जो बच्चे है, उनमें हैं उनमें माइल्ड सिम्टम देखे गए हैं कोरोना वायरस के और अगर बात करें कि जो महिला प्रेग्नेंट है जो महिला प्रेग्नेंट है तो महिला से बेबी में चले जाएँ मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है और महिला को गलती से कोरोना वायरस हो गया तो ऐसा नहीं है कि बेबी में सीधा सीधा सिम्टम चले जाएंगे कोरोना वायरस का ऐसा नहीं देखा गया अगर ये बात करें उस अनुसार तो क्या है भाई ऑल आर ट्रू है या फर्स्ट ठीक है सेकेंड ठीक है थर्ड ठीक है क्या रहेगा सवाल का जवाब तो आप जवाब देंगे सर ऑल आर ट्रू सभी सिचुएशन ठीक है सभी कंडीशन ठीक है ये तो बेसिक सा ही हो गया बिल्कुल ही बेसिक हो गया मगर ये सवाल एग्जाम में आ सकता है

क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए आप जवाब देंगे बोथ ए एंड बी दोनों से ही ये रिलेटेड है ये सार्स से भी रिलेटेड है और मार्स से भी रिलेटेड है आपने इसके बारे में अच्छी तरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन आपने अच्छी तरह पहले पढ़ रखी है इसके बारे में इसीलिए मैं केवल और केवल टेस्ट के रूप में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ठीक है यदि आपने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी है दस क्वेश्चन है इसके अलावा पंद्रह क्वेश्चन और है मेरे पास कोरोना वायरस से संबंधित यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं मेरे चैनल प्लेइंग विद जी के पे आपको विद डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ा दूंगा मार्स क्या है सार्स क्या है

भारत में वायसराय कौन था अगर बात करें लॉर्ड लिटन लॉर्ड इरविन लॉर्ड चैम्सफोर्ड या नन ऑफ दीज निम्नलिखित में से कोई भी नहीं रही क्या रहेगा सवाल का जवाब सीवियर एक्यूट रेस्परेटर सिस्टम बहुत बढ़िया इसकी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही सर न्यूज़ में बोल रहे हैं बच्चों में ज्यादा फैलेगा लेकिन फिर ये ट्रू कैसे है बच्चा ठीक है अभी जो हमारे पास वायरस का जो नया वेरिएंट देखा जा रहा है ना उस वेरिएंट के हिसाब से अगर ये बात करें तो बेसिक लेवल के सवाल हैं

इस सवाल का जवाब देने की भी फटाफट -फड़ से कोशिश कीजिए सवाल है हु इंट्रोड्यूस सब्सी डायरी अलायंस की वो बात कर रहा है जो कि करवाई गई थी कब 1798 से लेकर 1805 के आसपास तक की ये बात है सवाल का जवाब क्या रहेगा आपसे अगर पूछा जाए सवाल का जवाब क्या है तो आप जवाब देंगे सर सवाल का जवाब है लॉर्ड वेल्सली सवाल का जवाब है लॉर्ड वेल्सली ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट स्टेट टू कम अंडर द ग्रिप ऑफ सब्सी डायरी अलायंसेज वो बोल रहा है अलायंस की चपेट में आने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का चलिए जल्दी से सब्सिडायरी अलायंस में आने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था ठीक है जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए अलायंस में आने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू कम फर्स्ट स्टेट टू कम इन सब्सिडायरी अलायंस क्या रहेगा सवाल का जवाब अवध मैसूर हैदराबाद या फिर सब्सिडायरी अलायंस का कहीं भी अर्थ वो नहीं है हड़प की नीति से ठीक है ना डॉक्टर ऑफ लैब्स की बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है सेवनटीन नाइनटी एट से लेकर अठारह सौ पाँच की और अगर बात करें हड़प की नीति की तो अट्ठारह सौ अड़तालीस से लेकर अठारह सौ छप्पन तक थी हड़प की नीति ठीक है जो थी लॉर्ड डलाहू जी के कार्यकाल में सवाल का जवाब है यहाँ पे हैदराबाद ध्यान रखिएगा सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है यहाँ पे हैदराबाद ये सवाल अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है वैन बॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास आप जानते होंगे रेगुलेटिंग एक्ट भारत सरकार भारत में लाया गया पहला एक्ट था या फिर पहला कानून था किसके द्वारा लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था क्यों लाया गया था भारत को स्वचालित रूप से मतलब भारत में जिन भी लोगों पर वो राज कर रहे हैं उनके लिए कानूनों के निर्माण करने के लिए उनको स्वचालित रूप से चलाने के लिए ये एक्ट लाया गया था इस सवाल को भी याद रखिएगा इस जवाब को भी याद रखिएगा कब का है 1773, 1743, 1783, 1783 या फिर 17 नन ऑफ दिस क्या रहेगा सवाल का जवाब पंद्रह सेकंड में क्या आप तीन सेकंड में इस सवाल का जवाब दे देंगे जल्दी से केवल और केवल तीन सेकंड में आप इसके जवाब दे, दे देंगे थ्री सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है चलिए जल्दी से बहुत बढ़िया आप जानते होंगे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बनाने की स्थापना की गई थी कहां पर बनाया गया पहला सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में ये सभी चीजें आप जानते होंगे अच्छे से ठीक है ना तो सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है 1773 वो ये नहीं बोलेगा भारत का वो बोलेगा कोलकाता में बनाया गया था पहला सुप्रीम कोर्ट ठीक है अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्बलिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट से थ्री अभी पढ़ाया है जल्दी से जवाब दे दीजिए एलिजा एम फी मिलेंगे यहाँ के पहले चीफ जस्टिस क्या रहेगा सवाल का जवाब वेयर बॉस द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवनटी थ्री सेवनटीन सेवनटी थ्री रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था सवाल केवल और केवल ये है एलिजे एम्फी के बारे में मैंने आपको नाम ले दिया एक व्यक्ति का व्यक्ति का नाम है एलिजे एम्फी चलिए ध्यान रखना एक्ट था था 1773 में, था 1773 में में एक्ट लाया गया मगर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था 1774 में तो दोनों अलग प्रकार के सवाल है अगर वो पूछे आपसे कि किस अधिनियम के आधार पे किस एक्ट के आधार पे भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कहा गया कैलकटा में तो आप जवाब देंगे सेवनटीन अधिनियम एक्ट के आधार पर भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कहा गया मगर वो आपसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ गठन कब हुआ तो आप जवाब देंगे 1774 में दोनों अलग प्रकार के सवाल हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा अच्छे से सवाल का जवाब है कैलकटा क्लियर सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है कैलकाटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया वो बोल रहा है भारत में पहली अंग्रेजों का कारखाना कहाँ सेटअप किया गया था मद्रास कैलकाटा सूरत या फिर नन ऑफ दिस चलिए

व्यक्ति का नाम क्या है बच्चा दो अलग प्रकार के सवाल हैं विलियम ऑगिन पहली बार इंडिया में आया था सोलह सौ सू तीन में फैक्ट्री काटअप की गई थी सोलह सौ सू तेरह में ध्यान रखिएगा फैक्ट्री सेटअप की गई थी सोलह सौ सू तेरह में रेड ड्रैगन आप बोल रहे हैं उसके जहाज का नाम था भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जॉन मैक मैक पर्सन चार्ल्स विल्किंस वैरन एस्टिंग दिस वैरन एस्टिंग के बारे में आप जानते होंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ये चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब इसने जो थी ये ट्रांसलेट की थी लगभग सेवनटीन एटी सेवनटीन एटी के आसपास सेवनटीन ऐटी फाइव के आसपास इसने ट्रांसलेट की थी सत्रह सौ पिचासी के आसपास ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था सवाल ये है बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा चार्ल्स विल्किस के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था किस में गीता को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ अलग लेकर आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोविंग गवर्नर इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल और बिहार में परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्ना वॉलिस जॉन शोर सर जॉर्ज बार्लो या फिर पंद्रह सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई फटाफट फड़ से ऐसे काम नहीं चलेगा देखो यार ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास फटाफट लाइक और शेयर कर दिया करो आते ही क्योंकि इतना सारा जब कंटेंट तुम्हारे लिए मिल रहा है एक ही जगह तुम्हें मिल रहा है कहीं तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं मिल रही यहीं तुम्हें जो के यहीं तुम्हें हिस्ट्री के यहीं तुम्हें बायोलॉजी के यहीं पॉलिटिक के यहीं स्टैटिक स्ट्रैटेगेजी के यहीं करंट अफेयर के यहीं कंप्यूटर के यहीं सार से संबंधित जो डेली न्यूज़ है उससे संबंधित सब प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें यहीं मिल रहे हैं पूरी प्रैक्टिस हो रही है तो तुम फिर आके क्यों राजी नहीं हो क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा लॉर्ड कॉर्ना क्लियर परमानेंट सेटलमेंट के लिए किसे जाना जाएगा लॉर्ड कॉर्नावालस को जाना जाएगा 1793 की वो बात कर रहा है सत्रह की वो बात कर सेवेंटीन नाइनटी थ्री की वो बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है हु इंडिया सोसाइटी इन इंग्लैंड भारत मतलब एक सोसाइटी है फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी जल्दी जवाब दीजिए भाई इंग्लैंड के अंदर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दादा भाई नरौर जी ने जी कृष्णा वर्मा ने विनायक दामोदर सावरकर ने अनन ऑफ दे भाई सब गारंटी लेके दे रहा हूँ मुझो पे हाथ लगा के भाई साहब एक एक सवाल जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो हर सवाल मोतियों की तरह पिरोया हुआ सवाल है हर सवाल तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पागल नहीं है बेवकूफ़ नहीं है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी सार से संबंधित क्वेश्चन भी तुम्हें कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन भी हर प्रकार के सवाल मैं करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारी तैयारी का स्तर जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाए जिसकी इसकी तुम थ्योरी पढ़ना चाहते हो थ्योरी पढ़ने के लिए आ जाइए भाई चैनल पर प्लेंग विद जी के पे वहाँ थ्योरी पढ़ाऊंगा जवाब दीजिए भाई फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है एग्जाम में केवल तीन सेकंड मिलेंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए सेकंड में ठीक हो जाए तो ठीक है नहीं हो पाता तो आगे बढ़ जाना 1906 में इसकी स्थापना की गई थी 1906 में 1906 में इसकी स्थापना की गई थी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था विनायक सावर दामोदर सावरकर वी डी सावरकर नाम था विनायक दामोदर सावरकर नाम सावर का इंपॉर्टेंट सवाल है वीडी सावरकर के द्वारा ये किताब वी डी सावरकर के द्वारा फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी ध्यान रखना 1906 इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवा सवाल हु इज़ यूजली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया आमतौर पर भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया जल्दी से भाई हाँ भाई सिविल सर्विसेज वालों चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब फटाफट पड़ से जवाब देने की वी डी सावरकर वाला टिक कर दिया तुमने अब नेक्स्ट सवाल है तुम्हारी स्क्रीन पर हु इज़ यूजली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्या रहेगा सवाल का जवाब बड़ा फर्श जवाब देने की कोशिश कीजिए लॉर्ड विलियम चार्ल्स चार्ल्स बैंटिकार्ल लॉर्ड विलियम मैटक् के बारे में तुमने पढ़ा होगा सती प्रथा समाप्त कराने वाले व्यक्ति का नाम भी यही था अठारह सो उनतीस है वो सती प्रथा वाला अगर यह देखा जाए तो राजा राम मोहन के साथ इन्होंने मिलकर भारत में सती प्रथा की समाप्ति करवाई थी इस सवाल का जवाब क्या रहेगा बस ये दे दीजिए लॉर्ड विलियम बैंटिक बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है चार्ल्स कॉर्ना सवाल का जवाब है चार्ल्स कॉर्ना ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया भारत में पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया वैरन एस्टिक जॉन शॉरे लॉर्ड डलाउजी या नन ऑफ देश हु फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए वैरन एस्टिंग जॉन शॉरे लॉर्ड डलाउजी या नन ऑफ देश चलिए फटाफट से जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए बचा देखो ये जो सवाल है ना इस सवाल के अनुसार ही जवाब देने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पर ना इंडिया तो लिखा हुआ है मगर आप समझ सकते हो इंडिया वाला जवाब तो क्या रहेगा इंडिया वाला जवाब रहेगा लॉर्ड विलियम बैंटिक रहेगा वहां पे ठीक है ना विलियम बैंटिक रहेगा अठारह के आसपास उन्हें बनाया गया था मगर यहां पर केवल और केवल आपको क्या नजर आ रहा है आप यहां देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दीजिए या तो यहाँ ठीक है ना ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दीजिए उस हिसाब से आप सवाल का जवाब सही दे पाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा वैरन हेस्टिंग एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा ये तो गवर्नर जनरल थे कहा के गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल थे आप मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके ये बताएंगे मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी किसके अधीन थी मद्रास और बॉम्बे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आ गई थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था और बॉम्बे का गवर्नर जनरल कौन था जब जब बैरन हेस्टिंग पूरा का पूरा मतलब इसके अधीन जैसे मान लीजिए ये प्रेजिडेंट हो गया इसके अधीन काम करने वाले दो लोग और हैं एक बैठा है मद्रास में एक बैठा है बॉम्बे में उनके नाम क्या थे कमेंट करके जरूर बताना चाहूंगा मैं

तो आप जवाब दोगे तारीख थी पच्चीस अप्रैल अठारह तारीख क्या थी तारीख थी पच्चीस अप्रैल अठारह ध्यान रखिए अपनी कैटेगरी का ये बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है पच्चीस अप्रैल अठारह को रंजीत सिंह ने राजाओं के मतलब रंजीत सिंह ने ब्रिटिश के साथ के साथ एक फ्रेंडशिप संधि करी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है स्क्रीन पर हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंग्लो नेपाल वॉर वो बोल रहा है जब एंग्लो नेपाल वॉर लड़ा गया था तो गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था जॉन एडम फ्रांसिस एडवर्ड वेस्टिंग या फिर लॉर्ड मिंटो या फिर नन ऑफ जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब हु द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंग्लो नेपाल वॉर चलिए एंग्लो नेपाल वॉर हुआ कब था कई विद्यार्थी बता सकता है तो ये बता दे भाई 1814 से लेकर 1816 तक लड़ा गया था एंग्लो नेपाल वॉर ध्यान रखिएगा 1814 से लेकर 1816 तक लड़ा गया था एंग्लो नेपाल वॉर अगर अब आपने याद कर रखे कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल तो 1814 से लेकर 1816 के आसपास कौन था भारत में गवर्नर जनरल इस अनुसार टिक करने की कोशिश कीजिए लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो आप जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, सही जा रहे हैं जी जॉन एडम फ्रांसिस एडवर्ड रैमडॉम क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना यह सवाल अगर तुमने तुम्हारे जीवन काल में पहली बार पढ़ा है तो नोट डाउन कर लेना अठारह से लेकर अठारह तक हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर उस समय गवर्नर जनरल पे पद पे कौन बैठा था व्यक्ति था फ्रांसिस एडवर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस टाइटल वो बोल रहा है भारत में प्रेस का शीर्ष और लिबरेटर किसे अर्जित किया जाता है वो सीधा सा बोल रहा है प्रेस मुक्ति देवता के नाम से की बात कर रहा है मेरे हिसाब से वो चलिए भाई भारत की प्रेस शीर्षक को लिबरेटर किसने अर्जित किया था चलिए लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस टाइटल लॉर्ड एम्फेस विलियम बटरवॉथ बेले या चार्ल्स मैटक्लिफ या नन ऑफ दिस वो कंट्रोल करने वाला बोल रहा होगा क्योंकि प्रेस मुक्ति देवता के बारे में तो आप जानते ही हैं मेरे ख्याल से रिपन को जाना जाता है हाँ चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब दीजिए मिन्टो तो अट्ठारह सौ में था हाँ मारलो मिंटो एक्ट आपको याद तो है मारलो हुआ करता था भारत मंत्री मिंटो हुआ करता था भारत का वाइस रहा गवर्नर जनरल चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए सर एलिजाबैथ को कोइनूर हीरा महाराज दिलीप सिंह ने दिया था हाँ बच्चा दिलीप सिंह ने ही दिया था रंजीत सिंह का भी कहीं ना कहीं और अलग तरीके से पास्ट है ठीक है कहीं ना कहीं अलग तरीके से पास्ट है रंजीत सिंह का भी लेकर वो अमृतसर के राजा थे उनका अलग तरीके से पास्ट है क्या रहेगा सवाल का जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए सवाल का जवाब रहेगा चार्ल्स मैटक्लेव रहे सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा चार्ल्स मैटक्लेव ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहते हैं कोई रीरा जिस भी पुरुष के पास जाता था उसको भाई साहब बर्बाद कर देता था मगर वही कोई नुरूरा जब महिला के पास जाता था तो आबाद कर देता था इसलिए वो हीरा लगा हुआ है रानी के ताज में हमारी रानी नहीं भाई वहाँ की रानी के ताज में अगला सवाल है हु इंट्रोड्यूस रायतोवारी सिस्टम इन मद्रास वो बोल रहा है मद्रास में रायतों वाली प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था चलिए मद्रास में रायतो वाली प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए फटाफट से क्या रहेगा व्यक्ति का नाम रायतों वारी का शुरुआत करने वाला कौन था मद्रास में रायतो वारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है लॉर्ड डलाउजी वैरन एस्टिक थॉमस मुंड्रो या नन ऑफ दिस फटाफट चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए फटाफट फड़ जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है इंट्रोड्यूस रायतो वाली सिस्टम इन इंडिया इन इन लिखा है यहाँ पर बच्चा इन मद्रास लॉर्ड डलाउजी वैरन एस्टिंग थॉमस मुंड्रो या नन ऑफ दिस चलिए सभी का जवाब गलत है विद्यार्थी है नागेंद्र जी राजू मीणा जी भी बोल रहे हैं वैरन एस्टिंग बहुत बढ़िया जी गर्दा काट रहे हो सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है थॉमस मुनरो ध्यान रखना जिसका सही है वो सही मार्क करना जिसका गलत है वो गलत मार्क करना ये वाली टेस्ट ये वाली क्लास रहती है मेरी केवल और केवल और टेस्ट के रूप में इस क्लास को मैं केवल और केवल टेस्ट के रूप में डील करवाता हूं यदि आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे इससे ये तो भाई कंटेंट है ये कंटेंट को अगर आप थ्योरी के माध्यम में पढ़ना चाहेंगे तो पधारिए हमारे देश पधारिए हमारे देश हमारे देश का नाम है प्लेइंग विद जीके अगर भाई साहब खुद सोचिए किसी को कोई चैनल बनाकर दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी काबियत होगी और मेरा अपना चैनल है ये प्लेंग जीके के नाम से जो आना अकेडमी ने मुझे बनाकर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है द कैलकटा हिंदू कॉलेज नाउ द प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश वो बोल रहे हैं कलकत्ता हिंदू कॉलेज अब प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी की नाम से जाना जाता है स्थापना कब की गई थी इसकी चलिए कैलकटा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी कौन से वर्ष में कैलकटा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी अपनी कैटेगरी का बेस्ट क्वेश्चन है अठारह 18, सौ 1825 या फिर नन ऑफ दीज जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए कब की गई थी स्थापना अगर बात करें स्थापना की तो राजा राम मोहन के रॉय के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी 20 जनवरी 1800 कौन से में चलिए कैलकटा हिंदू कॉलेज की वो बात कर रहा है मैंने जवाब दे दिया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी कब करवाई गई थी सवाल ये है जल्दी से जवाब दीजिए इट वॉज इसका नाम कब बदला गया इसका नाम बदला गया अठारह में इसका नाम कब बदला गया इसका नाम बदला गया अठारह में और ये कर दिया गया प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था जवाब दोगे बीस जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी मोहन रॉय हैं जिनको राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा अकबर टू के द्वारा उम्मीद करूंगा सभी सवालों के जवाब समझ आगे होंगे इसका नाम कब बदला गया नाम बदला गया अठारह में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ताईसवें नंबर का सवाल स्क्रीन पर है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज चलिए इस्तीफा दे दिया था भाई साहब इन्होंने काम करने के बाद नाइनटीन सेंचुरी के आसपास मतलब उन्नीस सौ चार पाँच के आसपास मेरे को जितना लगता है रिजाइन कर दिया था द्वारका नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर नन ऑफ दिस चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए कौन थे भारतीय पहले जिन्होंने सिविल सेवाओं में पास किया था मतलब सिविल सेवाएं जिसने पास की थी इन्होंने कहा भाई साहब हम नहीं कर सकते इस प्रकार से काम और रिजाइन करने के पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है किताब है मेरे पास रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित उस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है जैसे की रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली में किस किस की डेथ हो गई थी उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बच्चों की इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ है उस किताब में क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब है सतेंद्र नाथ टैगोर क्लियर सवाल का जवाब है सतेंद्र नाथ टैगोर अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टॉप सिस्टम इन इंडिया बताइए भाई सती प्रथा समाप्त करने वाले भारत में व्यक्ति का नाम क्या है लॉर्ड विलियम बैंडिक जॉन एडम लॉर्ड ऑकलैंड या फिर नन ऑफ दिस क्या रहेगा सवाल का जवाब भारत में सती प्रथा समाप्त कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है कहते हैं अगर ये ना होते तो आज भी इस देश में सती प्रथा चल ही रही होती तारीख है चार दिसंबर अठारह पहले भी पढ़ा रखा है सवाल आज पहली बार डेट पे पढ़ा रहा हूँ सारी तारीखों को ध्यान रख लेना हाथ जोड़ के विनती है एग्जाम में पूछी जाती हैं चार दिसंबर अठारह को एक कानून पारित करके इस देश में समाप्त कर दिया गया क्या सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया व्यक्ति का नाम क्या है सवाल ये पूछा जा रहा है चलिए द बंगाल सती रेगुलेशन विच बैंड सती प्रैक्टिस किस रेगुलेशन के, के माध्यम से द बंगाल सती रेगुलेशन प्रैक्टिस के माध्यम से समाप्त कर दिया गया समाप्त करवाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बैंटिक ध्यान रखिएगा अपनी कैटेगरी का बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट क्वेश्चन है उन्नीस नहीं अठारह ठीक है और तारीख है चार दिसंबर कोई जो कोई पैदा हुआ है चार दिसंबर को तो भाई साहब उसकी डेट ऑफ बर्थ पे याद रख लेना अगला सवाल है हु टाटा टाटवा हुनी सभा चलिए भाई ताटवा बोधनी सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या और भाई साहब थोड़ा घर में रहिए आंधी वाधी चल रही है वक्त वैसे ही खराब है ठीक है ना बाहर का थोड़ा मौसम दिल्ली में सही नहीं अभी आंधी वाधी चल रही है तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग घर में रहेंगे तुम तुम तुम्हारे लोगों के अंदर मेरी जान बसती है ध्यान रखना भाई साहब इस बात को मेरी मेहनत पूरी जिंदगी की कमाई तुम हो जितनी मैंने पिछले छह सालों में सात सालों में पढ़ाई करी है वो कमाई हो तुम मेरी सभी चलिए वो स्टैब्लिश ताटवा बोनी सभा की स्थापना किसने की है तुम बड़े बड़े पोस्टों पर जब जाकर बैठोगे ना तो हम घर से कहेंगे अरे बता कहां मिलाना है फोन विद्यार्थी बैठा हुआ डिपार्टमेंट में आई है इस फोन के ठीक है क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए सवाल का जवाब है छे अक्टूबर एटीन थर्टी नाइन को स्टैब्लिशमेंट की गई थी तारीख पहले याद रख लीजिए तारीख है छह अक्टूबर ये तारीख एक जगह लिख लेना काम आएंगी छह अक्टूबर एटीन थर्टी नाइन को स्टैब्लिशमेंट की गई किसके द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापना करवाई गई थी किसके द्वारा स्थापना करवाई गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापना करवाई गई थी ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिनेमड एज ट्रुथ सीकर सभा इनिशियली कंफर्म इमीडिएट में मतलब टैगोर की परिवार से संबंधित इसमें लोग थे बाद में इसमें लगभग पांच सौ के आसपास में राजा राम मोहन रोयनी देवेंद्रनाथ टैगोर रहेगा सवाल का जवाब छह अक्टूबर एटीन थर्टी नाइन अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हु फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन चलिए भारत इंडियन होम रूल सोसायटी इन लंडन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी क्लास एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से बाकी कहां रह जाते हो यार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करो फटाफट फड़ से राजा राम मोहन राय श्याम जी कृष्णा वर्मा मनमोहन मनमोहन घोष या फिर नन ऑफ दिस एक चीज याद रखा करो मतलब पूरा आठ बजे शामिल हो जाया करो तुम्हारे दस क्वेश्चन पहले तो कोरोना वायरस के निकल गए अब वो कौन करवाएगा दोबारा कंटेंट मिल रहा है उसको नोट डाउन करो बस फटाफट फड़ से काम निपटाओ हु द फाउंडेड ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन लंदन के अंदर होम रूल सोसाइटी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है 1905 में की गई थी 1905 में एनी बेसेंट के बारे में आप जानते होंगे 1917 के आसपास 1916 के आसपास होम रूल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने भी की थी क्या रहेगा इस सवाल का जवाब जल्दी से बहुत बढ़िया सवाल का जवाब है श्याम जी कृष्णा वर्मा सवाल का जवाब है श्याम जी कृष्णा वर्मा ब्रिटेन लंदन में इसकी स्थापना की गई थी उन्नीस में नाइनटीन में याद कैसे रहेगा उन्नीस में ही हुआ था भाई बंगाल विभाजन बंगाल डिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है स्क्रीन पर सवाल है हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज पेपर इन इंडिया भारत में प्रथम न्यूज पेपर स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भारत में प्रथम न्यूज पेपर स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है फर्स्ट न्यूज पेपर स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भारत में जल्दी से जवाब देने की, की कोशिश कीजिए भारत में प्रथम न्यूज पेपर स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या रहेगा फटाफट से जवाब दीजिए भाई हु फर्स्ट न्यूज पेपर इन इंडिया बड़ा से जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब सत्रह सौ अस्सी की बात है सेवनटीन एटी में स्टार्ट करवाया गया था सत्रह सौ अस्सी में बहुत बढ़िया एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया उन्नीस सौ सत्रह में कानपुर सेशन में किसके द्वारा चुना गया था कौन था व्यक्ति जिन्होंने सपोर्ट किया था बताना भाई ज़रा जल्दी से कौन था विद्यार्थी जिसने जवाब दिया था कि मैंने पढ़ा रखा होगा सी आर सेवनटीन जी मैंने पढ़ा रखा है एक व्यक्ति थे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे उन्नीस सौ पाँच में एडवोकेट थे बहुत ज़्यादा उन्होंने वकील वकील के रूप से काम किया उसके बाद इस्तीफा दे दिया वकील मतलब काम करना छोड़ दिया कांग्रेस में जुड़ गए क्या मिलेगा नाम सी आर दास मिलेगा चित्रंजन <जन्य> दास चित्रंजन दास के द्वारा बनवाया गया था एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा जेम्स अगस्त हिक्की सवाल का जवाब रहेगा जेम्स अगस्तस हिक्की कौन सा ईयर रहेगा सत्रह सौ अस्सी रहेगा साल सेवनटीन एटी में जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा शुरू करवाया गया था न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर का नाम क्या था बंगाल गेस्टेड न्यूज़पेपर का नाम क्या था न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैसटेट बंगाल गेस्टेड के नाम से था तो ध्यान रखना अगर पूछ जाए भारत में पहला न्यूज पेपर कौन सा स्टार्ट करवाया गया तो बंगाल स्टेट कब करवाया गया सत्रह सौ अस्सी में कराने वाले व्यक्ति का नाम थाय दो स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया इस देश में चलिए किस वाई को स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया एक और याद रखना हम बोलते हैं ना कि भाग नंबर भारतीय संविधान के भाग नंबर तीन को किस नाम से जाना जाता है बताइए जरा एक बार जल्दी से कमेंट करके भारतीय संविधान के भाग नंबर तीन को जिसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट को किस डॉक्यूमेंट दस्तावेज के नाम से जाना गया है जो किंग जॉन के द्वारा बारह में प्रेजेंट करवाया गया था तो आप बोलोगे सर मेघना काटा उसी प्रकार से भाई साहब ये भी ये जो हमारा स्थानीय सुशासन है ना जो स्थानीय सुशासन का डॉक्यूमेंट पेश करवाया गया था इनके द्वारा जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जाने जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को भी क्या बोला गया है उस डॉक्यूमेंट को भी बोला गया मेघना काटा उस डॉक्यूमेंट को भी बोला गया मेघना काटा ध्यान रखना दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं सवाल का जवाब क्या मिलेगा तो आप बोलोगे सर सवाल का जवाब रहेगा क्या सवाल का जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन अठारह बहुत बढ़िया सवाल का जवाब रहेगा लॉर्ड रिपन अठारह सो बयासी एटीन एटी टू क्लियर इसके अलावा बारह सो पंद्रह किंग जॉन इंग्लैंड के अंदर एक जगह हुआ करती थी वहां पे इन्होंने वो डॉक्यूमेंट पेश करवाया था उसे बोला गया मेघना घाटा ये सब चीजें उम्मीद करूंगा आपको याद रहेंगी क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है सवाल है सवाल है अगला अगला सवाल सवाल स्क्रीन पर हु इंट्रोड्यूस ऑफ ऑफ इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भारत में चूक की नीति चूक की नीति नहीं बोलेंगे इसे मैं कहेंगे भारत में हड़प की नीति शुरुआत कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जिसके द्वारा सतारा अवध और कई सारी जगहों को हड़पा गया था हड़प की नीति की शुरुआत कराने वाला कौन था चलिए डलाउजी मैडक्लेव जॉन एडम क्या रहेगा सवाल का जवाब प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सवाल है इन सवालों को नोट डाउन कर लेना भाई ठीक है अच्छे सवाल है या फिर प्रैक्टिस में लीजिए अठारह से लेकर अठारह छप्पन के बीच में क्या चलाएगा हड़प की नीति चलाई गई लॉर्ड डलाउजी के द्वारा सवाल का जवाब है लॉर्ड डलाउजी ईयर कौन सा रहेगा 1848 से लेकर अट्ठारह रहेगा साल ध्यान रखिएगा साल भी अपनी कैटेगरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है शिमला मेडा समर कैपिटल शिमला को समर राजधानी कब बनाया गया चलिए भाई वैन बॉज दिमला मेडा समर कैपिटल शिमला को जो समर कैपिटल था वो कब बनाया गया क्लास सीधे अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड बहुत बढ़िया जी ठीक है और लास्ट किसे किया गया था लास्ट शायद अवध को किया गया था जितना मुझे याद है ठीक है, है? चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला को समर कैपिटल कब बनाया गया अच्छी तरह जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर की आपको दो राजधानियां मिलेंगी ठीक है ना ये आपको मिलेगी बच्चा हिमाचल वाली शिमला और धर्मशाला तो वहां की कैपिटल है ठीक है कब बनाया गया था इसे जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ से क्या रहेगा सवाल का जवाब एंड झांसी वॉज द लास्ट झांसी तो नहीं मिलेगा लास्ट से चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सवाल का जवाब रहेगा अठारह सौ चौसठ एटीन सिक्सटी फोर क्लियर सवाल का जवाब रहेगा अठारह सौ चौसठ एक दो सवाल और हैं बस जल्दी से टैगल करके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर इन विच ईयर द हिंदो विडो री मैरिजिंग एक्ट पास जो हमारी भाई मतलब हमारे देश में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उन विधवाओं को दोबारा शादी करने तक की इजाजत नहीं थी इस देश में राजा राम मोहन रॉय की खुद की बेटी को दोबारा शादी करने के लिए मना कर दिया गया था अगर आपको याद हो उनकी बेटी जो विधवा थी वो बोल रहा है हिंदू विंडो विडो री मैरिजिंग एक्ट का पास किया गया इस देश के अंदर जल्दी से जवाब दीजिए छप्पन बहत्तर बासठ या फिर नन ऑफ तीस क्या रहेगा सवाल का जवाब सर आपका कितना क्लास हुआ है बच्चा उन्नीसवें नंबर की क्लास है रहेगी नाइनटीन नंबर की यहां पर उन्नीसवे नंबर की है इसके अलावा मेरा अपना चैनल है प्लेइंग विद जीके के नाम से मेरा अपना चैनल है प्लेइंग विद जीके के नाम से बस इतना सर्च कीजिए प्लेइंग विद जीके चेतन सर मैं आपको मिल जाऊंगा ठीक है ना या केवल अगर आप चेतन सर भी सर्च कर लेंगे तब भी मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा चैनल आपको मिल जाएगा क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से जवाब दीजिए वो अट्ठारह सौ चौसठ वाला हो गया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये वाला इस सवाल का जवाब क्या रहेगा इस सवाल का जवाब रहेगा सभी का गलत है सवाल का जवाब रहेगा अठारह सौ छप्पन अट्ठारह सौ छप्पन में हिंदू विडो रीमैरिजिंग एक्ट पास किया गया था ठीक है ना ध्यान रखना छब्बीस जुलाई अट्ठारह सौ छप्पन है इसकी पूरी तारीख पूरी तारीख क्या है पूरी तारीख है छब्बीस जुलाई अट्ठारह सौ छप्पन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है स्क्रीन पर वेयर डिड द रेवल्यूट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन फर्स्ट ब्रेक आउट वो बोल रहा है अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति का शुभ आरंभ कहाँ पर हुआ था चलिए भाई अठारह की क्रांति का शुभारंभ पे हुआ था फटाफट फड़ जवाब दीजिए जल्दी से जहां पर सोल्जर्स को बोला गया था आप समझते हैं सोल्जर्स को बोला गया था किस प्रकार से वो छीलने के लिए ठीक है ना जो कि बनी हुई थी चर्बी से इसीलिए भाई कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ था इट वॉज ऑन तारीख क्या थी तारीख थी दस मई तारीख थी दस मई साल बता दीजिए साल है अठारह और शुरुआत कहां से हुई तो आप बोलोगे सर शुरुआत हुई थी मेरठ के कंटोनमेंट से कहाँ से शुरुआत हुई थी तो आप जवाब दोगे सर शुरुआत हुई थी इसकी मेरठ के कंटोनमेंट से ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है इन विच ईयर कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश तीन जगह विश्वविद्यालय बनाए गए मद्रास कैलकटा तीन जगह बनाए गए कैलकाटा बॉम्बे और मद्रास में कौन से ईयर में सत्तावन निन्यानवे बावन या फिर नन ऑफ दिस मेरठ कैंटोनमेंट ध्यान रखना दस मई अठारह पहली बार तारीख बताइए तुम्हें क्या रहेगा सवाल का जवाब कैलकटा बॉम्बे मद्रास में जो यूनिवर्सिटी हैं कब स्टैब्लिश की गई थी फटाफट जवाब दे दीजिए जल्दी से क्या रहेगा सवाल का जवाब कोरोना वॉलिस मिलेंगे कोरोना वॉलिस के कार्यकाल में स्टैब्लिश की जाएगी कौन सा ईयर मिलेगा ईयर मिलेगा अट्ठारह सो सत्तावन एटीन फिफ्टी सेवन क्लियर ईयर कौन सा मिलेगा ईयर आपको मिलेगा अठारह सौ सत्तावन एटीन फिफ्टी सेवन में स्थापना करवाई गई थी किसकी कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी की नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड द हाई कोर्ट्स इन कैलकटा मद्रास एंड बॉम्बे स्टैब्लिश कब बनाए गए थे कैलकटा मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट साठ अट्ठावन बासठ जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से क्या रहेगा सवाल का जवाब वेन डेड द हाई हाईकोर्ट कैलकाटा मद्रास बॉम्बे स्टैब्लिश फटाफट से जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एन सिक्सटी वन के माध्यम से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एटीन सिक्सटी वन के माध्यम से अठारह सो बासठ में स्थापना करवाई गई थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एटीन सिक्सटी वन के माध्यम से अठारह सो बासठ में स्थापना करवाई गई तीन कोर्टों की कैलकटा मद्रास और बॉम्बे ध्यान रखना अपनी कैटेगरी का यह भी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है फाउंडेड इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन इन in सेवनटीन वो बोल रहा है भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी 1870 में जल्दी जवाब दीजिए भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी 1870 में और जो बच्चा पढ़ना चाहता है थ्योरी भाई साहब फिर बोल रहा हूँ चैनल का नाम है प्लेइंग विद जीके चैनल का नाम है प्लेइंग विद जीके यहाँ आपको मिलेगी स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ आपको मिलेगी पॉलिटी की क्लास यहाँ आपको मिलेगी हिस्ट्री की क्लास एक रुपया नहीं देना और हिस्ट्री पॉलिटी और स्ट्रैटिक जीके उस तरह की करा दूंगा जो आपको पेड़ में भी नहीं मिलेगी ठीक है क्या केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर राम मोहन रॉय कौन रहेगा भाई व्यक्ति जिसने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन फॉर्म किया था सवाल का सवाल का का जवाब जवाब क्या रहेगा रहेगा केशव चंद्र सेन ठीक है सवाल का जवाब रहेगा केशव चंद्र सेन ध्यान रखना उनतीस अक्टूबर अठारह को स्थापना की गई थी कब उनतीस अक्टूबर अठारह को स्थापना की गई थी इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज कब फाउंड किया गया था चलिए सत्यशोधक समाज कब फाउंड किया गया था क्या रहेगा सवाल का जवाब हाँ बच्चा हिस्ट्री की क्लास होगी आज ठीक है हिस्ट्री की क्लास होगी चाहे आधे घंटे की पैंतालीस मिनट की लूंगा मगर क्लास लूंगा क्या रहेगा सवाल का जवाब सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी फटाफट फड़ जवाब दे दीजिए क्या रहेगा ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापना की गई थी पुणे में 24 सितंबर अठारह को किसके द्वारा स्थापना की गई थी ज्योतिराव फुले के द्वारा बच्चा केशव चंद्र सेन ही होगा ठीक है ना एक बार कंफर्म कर लेना आप सवाल का जवाब ठीक है ठीक है मैं मेरी तरफ से ठीक हूँ आप एक बार कंफर्म कर लेना चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी से सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी तो आप जवाब देंगे सर इसकी स्थापना की गई थी एटीन में अठारह में ज्योतिराव फुले के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी ठीक है चलिए यह था बच्चा आज का तुम्हारा आखिरी सवाल अगर क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसके अलावा प्लेइंग विद जीके के नाम से चैनल है अपना उसे भी सब्सक्राइब मत कर उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना प्लेइंग विद जीके नाम से चैनल है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात